नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम टायर रिलेटेड स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज इनमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो हम देखेंगे कि क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं और हमारे यूजर्स डेली बेसिस पे अच्छा पैसा कमाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो जेके टायर के सीएफओ ने कहा है कि वो इनका जो मेजर फोकस रहेगा कि मार्जिन्स को काफी ज्यादा वो फोकस करेंगे कि जो इनका आप कह सकते हैं मार्जिन्स मिल रही है, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, उसको इंक्रीज करना इनका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई है। बट इन्होंने अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाई है टायर्स की, तो उस वजह से इनका ऑपरेटिंग मार्जिन Q2 के रिजल्ट्स में कम दिखा था। तो उनका वर्क है कि उस पर फोकस करेंगे। तो रिसेंट के आपको आगे आने वाले दिनों में टायर की प्राइसेस महंगी होने वाली है। डिलीवरी देखिए 22.6% की, ठीक ठाक मैं कहूंगा, कीपिंग इन माइंड की 11% का स्टॉक में राइज हुआ था। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों, तो यहां पे देखिए इसने एक, आप कह सकते हैं एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है ये इस लेवल के ऊपर, 140 के ऊपर, 140 से 142 एक अच्छा इसके लिए आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जोन था। तो आज इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब इस स्टॉक में दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप पोजीशन बनाते हैं आप 135 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा और टारगेट्स रहेंगे हमारे 160 एंड 170 के। 135 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स हमारे 160 एंड 170 के टारगेट्स। एक बार मैं 50 डे का मूविंग एवरेज भी इसमें लगा के देखना चाहूंगा कि उसमें क्या कहानी पता चल रही है। तो देखिए स्टॉक देखिए अपने जस्ट 50 डे के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं दोस्तों इसकी बात करूं तो इस एक आर्टिकल निकला था, तो इंडिया में जो हमारी टायर इंडस्ट्री की साइज है वो $9 बिलियन है और आप अपोलो टायर्स और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे इसके लिए फोकस कर सकते हैं। ओवरऑल टायर इंडस्ट्री 11% के CAGR से चल रही है, बढ़ रही है इंडिया में। अगर मैं दोस्तों अपोलो टायर्स की देखता हूं डिलीवरी कितनी है, तो इनकी भी 22% के पास है जितनी की हमारी जेके टायर्स के पास थी। आइए चार्ट पे मैं एनालाइज करूं, तो दोस्तों ये स्टॉक को 200 रुपए के आसपास एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा है। आप अगर यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन एक मैं बनाऊं तो ये देखिए एकदम क्लियर है कि ये 200 रुपए के आसपास स्टॉक को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो आपको स्टॉप लॉस इसमें आप पोजीशन बनाते हैं तो आपको 195 का रखना पड़ेगा जो कि प्रेजेंट प्राइस से 20 रुपए के नीचे है। और पहला टारगेट रहेगा हमारा दोस्तों 230 रुपए और फिर 240 रुपए और 260 रुपए। तो इसके कम हिसाब से मैं देखूं तो जेके टायर्स में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे ज्यादा फेवर में था एज कंपेयर टू अपोलो टायर। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका बड़ा रहेगा, 195 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स विल बी 230, 240 एंड 260। अगर मैं दोस्तों सीएट की बात करूं तो ये आप कुछ दिन पहले आर्टिकल निकला था, तो ये स्टॉक हमारा अपने आप कह सकते हैं कि 52 वीक हाई से 40% तक गिर गया था कुछ दिन पहले, आज की राइस के पहले। आप देखेंगे चार्ट पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आज इसमें बहुत ही गजब वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हुई है, 4.25 लाख शेयर्स इसमें ट्रेड हुए जो कि नॉर्मल आप कह सकते हैं 2 वीक एवरेज के 8.5 टाइम्स की ज्यादा ट्रेडिंग इस स्टॉक में हुई है। आइए अब हम एक बार इसका भी डिलीवरी देख लेते हैं कि कैसी चल रही है। इसकी डिलीवरी लेकिन दोस्तों केवल 13 से 14% ही है, तो उन दोनों स्टॉक्स की 22 की थी, इसकी डिलीवरी बहुत कम है, थोड़ा सा मैं इसमें भी 20% के आसपास की उम्मीद कर रहा था। तो स्टॉक देखिए एक टाइम यहाँ था 1700 तक गया था, 1700 से ये स्टॉक हमारा 1100 तक भी आ चुका है, तो कुछ ज़्यादा ही इसमें गिरावट आई थी। तो इतनी एक राइस तो इतनी बनती है, बट बहुत सारे लोग होंगे जो ऊपर के लेवल्स में भी अभी इस स्टॉक में फंसे होंगे। तो इस स्टॉक में दोस्तों अब आपका टारगेट्स, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो इसका देखिए जो नेक्स्ट टारगेट दोस्तों इजी टारगेट निकल के आ रहा है वो आपका यहाँ निकल के आ रहा है, 1280 रुपीज का इसका अगला टारगेट है, फिर आ जाएगा ये 1450 और फिर आप 1650 से 1700। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है ये 1600 के आसपास इसको पहुंच जाना चाहिए अगले 1 से 1.5 साल में।
स्टॉप लॉस दोस्तों आपको जो मेंटेन करके अब चलना पड़ेगा वो यहाँ का करीब चलना पड़ेगा 1120-1125 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक में भी बहुत ज्यादा हमारे फेवर में नहीं है। नॉर्मली जब एक दिन में स्टॉक 10-15% की राइज दे देता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आप हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए, ट्विटर फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्रेडिंग बुल्स के नाम से पेज है हमारा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे।